अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप लोग को पता है कि JEST के रिज़ल्ट आ चुके हैं और अच्छे खासे लोग इसके अंदर फेल हुए हैं। तकरीबन 1% से भी कम लोग इसके अंदर पास हुए हैं और ऑलमोस्ट 99.3% लोग इसके अंदर फेल हुए हैं। असल में ये IBA शक्कर वालों ने कुछ चीज़ें जो कि बहुत गलत की थी इन लोगों ने। लाइक इंडिविजुअल इन्होंने 45% रखा था सब्जेक्ट का, लेकिन मेरे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अब जो फ़र्ज़ कर लें मैथ्स का टीचर हो, उसको साइंस का थोड़ी पता होगा। अब जो मदर टंग का टीचर होगा उर्दू का, उसको मैथ्स का थोड़ी पता होगा। जो इंग्लिश का टीचर होगा उसको उर्दू का नहीं पता होगा, ना मैथ्स का पता होगा। तो ये क्राइटेरिया इन्होंने बहुत टफ रखा हुआ था कि इंडिविजुअल 45 हो, ओवरऑल 55। हाँ, ओवरऑल 55 फिर भी समझ में आता है, लेकिन ये जो इंडिविजुअल का चक्कर है ना, ये नहीं होना चाहिए। अभी देखें फाइनल नोटिस क्या आता है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये दोबारा से टेस्ट लेंगे इतने सारे लोगों का, तो कोई ना कोई पॉलिसी तो चेंज करेंगे ये लोग। बाकी अगर आप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं कि 27 के बाद, लाइक अगर 27 है इसके बाद क्यूरी का ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आंसर की भी जो है वो गलत इन्होंने शो करवाई हुई है। बाकी 30 सितंबर को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब ये देखना है कि उसमें एडिशनल मार्क्स इंक्लूड होते हैं नहीं होते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि B8 वगैरह पे +1 देंगे, BS की डिग्री पे 4 मार्क्स देंगे। अब ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि ओवरऑल 50% का हो जाएगा। देखें अब क्या होता है, 40% होता है या 30% होता है। वैसे ये इंडिविजुअल की पॉलिसी तो इनको ख़त्म करनी चाहिए, ओवरऑल हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि अभी भी अगर आप चेक करें कि 1250 कैंडिडेट ने अगर पास किया है, टोटल सीट्स हमारे पास 14,000 के करीब हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखना यह है कि ये इंडिविजुअल 30% करते हैं या 33% करते हैं। मेरे हिसाब से ओवरऑल जो है ये 50% ही रखेंगे, क्या पता इंडिविजुअल कम कर दें। अब देखते हैं कि क्या नोटिस आता है, देखें। बेस्ट ऑफ लक।